हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूरोप टूर का आज हमारा है 7वां दिन और हमने पिछले व्लॉग में देखा कि कैसे हमने बर्न सिटी एक्सप्लोर किया, जहाँ पे हमने बेयर पीट, आइंस्टाइन हाउस और क्लॉक टावर देखा। और वहीं पे लंच करने के बाद अभी हम लोग अपने आगे के जर्नी के लिए निकल चुके हैं। बर्न से निकल के अभी हम जा रहे हैं ब्रॉक में, जहाँ पे हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री देखने वाले हैं। यह है मेसन कैलर चॉकलेट फैक्ट्री। ये चॉकलेट फैक्ट्री दुनिया के सबसे पुराने चॉकलेट फैक्ट्रीज में से एक है, जो अभी भी ऑपरेट हो रही है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चॉकलेट फैक्ट्री टूर। यहाँ पे सभी को ऐसा चॉकलेट जैसा दिखने वाला एक डिवाइस दिया है, जिसमें से आप चॉकलेट फैक्ट्री की हिस्ट्री सुन सकते हो। अभी सबसे पहले हम इस चॉकलेट फैक्ट्री की हिस्ट्री देखने वाले हैं। In a cup or two of chocolate do not constitute a break in fasting. Now, there was nothing to stop chocolate from spreading throughout Europe. Nestle. All the founder decided to expand his factory. He began to look for a new location. यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री और उसके आसपास के एरिया का छोटा सा मॉडल बनाया गया है। चॉकलेट बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उनकी यहाँ पे डिटेल्स और सैंपल्स रखे गए हैं, जिन्हें आप खुद टेस्ट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे एक विंडो बनाई गई है, जहाँ पे ये आर्टिस्ट अलग अलग शेप्स और डिज़ाइन के चॉकलेट्स बनाते हैं और उन्हें चॉकलेट बनाते हुए आप देख सकते हो। इनसे बात करने के बाद पता चला कि ये डिज़ाइन वाले चॉकलेट बनाने में करीब करीब 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। और ये है वो बने हुए चॉकलेट्स, ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा डेमो प्लांट बनाया गया है, जहाँ पे ये दिखाते हैं कि मशीन पे चॉकलेट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट को शेप दिया जाता है और फिर उन्हें फ्रीज किया जाता है, और फिर उनको सॉलिड शेप में आने के बाद पिक करके रैपर्स में पैक किया जाता है। रैपर्स में पैक किए गए ये सैंपल पीसेस सारे विजिटर्स को टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे मिल्क चॉकलेट और कई अलग प्रकार के चॉकलेट्स रखे गए हैं। आप ये चॉकलेट्स जितना चाहे उतने खा के देख सकते हो। वैसे इस चॉकलेट फैक्ट्री टूर में चॉकलेट्स बनते कैसे हैं, ये बहुत कम दिखाया गया है और फैक्ट्री की हिस्ट्री ज़्यादा बताई गई है। टूर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एग्ज़िट पे शॉप्स है और चॉकलेट्स के ऐसे बड़े बड़े मॉडल्स बनाए गए हैं। थोड़े बहुत चॉकलेट खरीदने के बाद बाहर रखे हुए ट्रेन मॉडल्स को हमने देखा।
फैक्ट्री के बाहर फैक्ट्री के हिस्ट्री रिलेटेड ऐसे मॉडल्स और रेप्लिकास बनाए गए हैं। और ये कंप्लीट हो गया हमारा चॉकलेट फैक्ट्री टूर। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे जेनेवा के लिए। ऑन द वे हम लोग देखेंगे चार्ली चैपलिन का घर और म्यूजियम। ओके, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री टिकट मिल जाएगा। उसके बाद हम अंदर जाने वाले। अंदर जाने के बाद राइट हैंड साइड में वहाँ पे आपको चैपलिन का हाउस दिखाई देगा, चार्ली चैपलिन का। ये है चैपलिन्स वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखी चार्ली चैपलिन के ऊपर बनी हुई छोटी सी बायोग्राफी। फिर हमने एक्सप्लोर किया म्यूजियम। यहाँ पे चार्ली चैपलिन और उनके फिल्मों के कैरेक्टर्स के पुतले बनाए गए हैं जिनके साथ आप तस्वीरें खींच सकते हो। म्यूजियम देखने के बाद हमने देखा चार्ली चैपलिन का बंगला जो बहुत ही बड़ा और शानदार था। यहाँ पे भी कई सारे पुतले बनाए गए थे जिनके साथ आप तस्वीरें खींच सकते हो। इतना खूबसूरत और बड़ा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा था। चैपलिन्स वर्ल्ड देखने के बाद अभी हम निकल चुके थे जेनेवा के लिए। अपने अपने लेफ्ट साइड में देखो, ये लेक जेनेवा तक है। देख देखो ये है लेक जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा लेक है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये हम लोग पहुंच गए जेनेवा में। और ये है यूनाइटेड नेशन ट्राम स्टेशन। जेनेवा के ट्राम्स भी बहुत खूबसूरत है। इनका डिज़ाइन बर्न्स के ट्राम से थोड़ा अलग है। ये है ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर यहाँ के लैंडमाइन और क्लस्टर बॉम्ब के खिलाफ किए गए प्रदर्शन का प्रतीक है। Thank you.
रॉकिंग चेयर है पीछे, और यहाँ पे है पीछे मेरे ट्राम का स्टेशन। ब्रोकन चेयर के सामने ही यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स है। यूनाइटेड नेशन के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस भी यहीं पे है। उनको रिप्रेजेंट करता है और एक कैंपेन चला यह है जेनेवा वाटर फाउंटेन, जो लेक जेनेवा में बनाया गया है। यह है फ्लावर क्लॉक। ये क्लॉक फ्लावर से बनाया गया है, और ये इसके पीछे है फेरी व्हील और रोलेक्स का शोरूम। रोलेक्स के तरह यहाँ पे रिचर्ड मिल का भी शोरूम है। ये कंपनी भी लग्जरियस वॉचेस बनाने के लिए जानी जाती है। फ्लावर क्लॉक के पास हम सभी ने अपनी तस्वीरें खींची। फ्लावर क्लॉक के पीछे ही एक बड़ा गार्डन था जहाँ पे हम सब घूमने गए, लेकिन जेनेवा लेक का फाउंटेन ऑलरेडी बंद हो चुका था। इसके बाद हमने किया हमारा स्विट्ज़रलैंड का आखिरी डिनर। डिनर के बाद हम लोग ने स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके फ्रांस में एंट्री की। जेनेवा और फ्रांस के बॉर्डर पे ही हमारा होटल स्टे था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।